चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस एंड अ कैपेसिटर इन सीरीज द करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफेरेड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट एसी वोल्टेज मस्ट बी। अच्छा एलसीआर सर्किट में तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। उसी तरह एलसीआर सर्किट में जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो कब आती है, रेजोनेंस का केस जब इंपेडेंस जो है वो जेड की वैल्यू मिनिमम होती है और वो आर के इक्वल होती है। एलसी सर्किट में भी जो मैक्सिमम करंट होगी जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तब वो इक्वल होगी, तब वो इक्वल होगी रेजोनेंस के केस में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने कि एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट रेजोनेंस के केस में होती है, उस वक्त जेड की वैल्यू मिनिमम होती है, वो आर के बराबर होती है। और एलसी सर्किट में मैक्सिमम करंट भी जब होगी वो उस केस में होगी जब जेड मिनिमम हो। जेड की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, और मिनिमम के लिए एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू एल ओमेगा होती है और एक्सी की वैल्यू सी ओमेगा होती है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी या ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इस केस में भी यही होगा। तो अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एल की वैल्यू 0.5 इंटू 8 रखूंगा हेनरी, क्योंकि एसआई यूनिट में है तो इसको मैं माइक्रोफेरेड है ना, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, फेरेड में हो गया। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन अंडर रूट में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको आप ले सकते हो 10 टू द पावर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 हो गए ना रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आर की वैल्यू है 500 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।